हे दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश टकरानी। आज बात करने वाले हैं आईटीसी के क्वार्टर फोर FY20 के रिजल्ट्स के बारे में। तो हम देखेंगे क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट्स है, साथ ही साथ इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखेंगे। MACD हो गया, RSI हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी हम लोग नजर डालेंगे, कौन सी इनकी डील्स हुई है और आगे चल के क्या हो सकता है इस कंपनी के रिस्पेक्ट में, इसके शेयर को होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, एंड ऑल दैट थिंग्स आज मैं इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हैं इनका रेवेन्यू, आप देखिए दोस्तों ये क्वार्टर है, इसका रेवेन्यू रहा है लगभग 12,500 करोड़ रुपए और आप देख सकते हैं कि पिछले साल ये 13,000 करोड़ था। तो यहाँ पर आपको डाउन देखने को मिला है, पिछले क्वार्टर के कंपेयर में भी आपको यहाँ पे डाउन होते हुए दिख रहा है। तो ये बेसिकली इसका रीजन है जो आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, दैट इज लॉकडाउन जो कि 22 मार्च को लग गया था दोस्तों। तो यहां पे रेवेन्यू फॉल होते हुए दिख रहा है। अगर साल भर के रेवेन्यू की बात करें तो यहां पर एक पॉजिटिव चीज आपको दिख रही है, लॉकडाउन के होने के बावजूद भी साल भर के रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ पर 49,000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है 2019 के अंदर में, तो 2020 के अंदर में आप देखेंगे लगभग 51,000 करोड़ का रेवेन्यू आपको दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रॉफिट्स की, तो जो ओनर्स को प्रॉफिट जाएगा आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में 3856 करोड़ रुपीस का है, जो कि आप देखेंगे कि इसी अगर क्वार्टर की बात करेंगे पिछले साल में तो ये 3535 करोड़ रुपए का था और आप देखेंगे 4000 करोड़ के नीचे जो है आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के अंदर में 4000 करोड़ के करीब था, तो यहाँ पर 3856 करोड़ रुपए हुआ है। लेकिन साल भर के हिसाब से देखो दोस्तों बहुत ही प्यारा यहाँ पर प्रॉफिट है 15,000 करोड़ रुपए का और ये इसको जो है प्लस 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 कैटेगरी के अंदर में डाल देती है कम से कम इस साल के रिस्पेक्ट में। अगर EPS की बात करेंगे दोस्तों तो EPS आप देख सकते हैं यहाँ पर EPS आता है 3.14 का और आप ये देख सकते हैं कि पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपेयर करेंगे तो EPS बड़ा है। हालांकि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में ये EPS थोड़ा सा कम होते हुए आपको दिख रहा है, लेकिन साल भर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कंपनी ने किया है। 12.47 का EPS इन्होंने दिया है जो कि 2019 के अंदर में दोस्तों इट वॉज 10.30, तो अच्छी खासी ग्रोथ आपको यहाँ पर दिखेगी, लगभग 20% की ग्रोथ आपको यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों बात करते हैं डिविडेंड की, तो इन्होंने डिविडेंड घोषित किया है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड यहाँ घोषित किया है। अगर हम लोग बात करते हैं अभी का, इसका शेयर प्राइस लगभग 200 के करीब चल रहा है, उस पर आपको डिविडेंड अगर मिल रहा है 10 रुपये का जो 8 सितंबर को आपको पे कर दिया जाएगा, तो ऐसे केस के अंदर में 5% की आपको डिविडेंड यील्ड यहाँ पर मिल रही है, दैट्स काफ़ी कूल दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू ले देते हैं कि आईटीसी क्या क्या करता है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक फंडामेंटल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैं इसको डाल दूंगा। इनका मेन काम है सिगरेट्स का दोस्तों, यहीं से इनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है और बाकी अदर FMCG है जिसके अंदर में ये लोग फूड बिजनेस करते हैं, बिस्किट्स, केक्स, चॉकलेट्स और बहुत सारी, दुनिया का सबसे महंगा चॉकलेट भी ये लोग बेचते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, पियामा डील्स वगैरह आपने सुना होगा, इसके अलावा माचिस या फिर अगरबत्ती एंड कपड़े भी ये लोग बेचते हैं। तो आपने लाइफस्टाइल के बारे में, आईटीसी लाइफस्टाइल के बारे में सुना होगा एंड ऑल दैट, विल्स लाइफस्टाइल के बारे में सुना होगा। इसके अलावा होटल्स का काम है इनका एंड उसके बाद पेपर बोल्ड, पेपर पैकेजिंग का भी काम है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज और इन्फोटेक का भी एक छोटा सा काम इनके पास में है। अब दोस्तों बात करते हैं कौन से सेगमेंट से इनका कितना रेवेन्यू आता है, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे 57,000 करोड़ रुपीस में से आप देखेंगे तो सिगरेट्स में से 23,000 करोड़ रुपीस का इनका रेवेन्यू आता है, तो एक ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे 40% रेवेन्यू इनका यहां से आ रहा है। और अगर इनका प्रॉफिट्स देखेंगे दोस्तों तो ये रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं सेगमेंट रिजल्ट्स, तो यहां पर आपको सेगमेंट रिजल्ट्स यहां पे बहुत सारे एडजस्टमेंट होने के पहले की बात है, तो 18,000 करोड़ रुपए के सेगमेंट रिजल्ट्स में से 16,000 करोड़ रुपए सिर्फ सिगरेट बिजनेस में से आ रहा है। तो दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि सिगरेट बिजनेस इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेवेन्यू सोर्स है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं FMCG अदर्स में, जिसमें खाने पीने की चीज़ें और सौंदर्य प्रसाधन वाली चीज़ें आती है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कंपनी की मार्जिन बहुत कम दिख रही है, 3200 करोड़ रुपए से ये कंपनी कमा रही है सिर्फ 144 करोड़ रुपए, और साल भर के हिसाब से भी आप देखेंगे 13,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है इनका FMCG अदर्स का, तो यहाँ पर वो कंपनी जो है सिर्फ 500 करोड़ रुपए लेकर आ रही है, 500 करोड़ से भी कम आपको देखने को मिलेगा, 424 करोड़। हालांकि पिछले साल के कंपेयर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मार्जिन्स में दोस्तों इंप्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है इनके अदर FMCG बिजनेस का। वैसे भी इनका जो मेन एम है, तो बेसिकली ये अदर FMCG बिजनेस के अंदर में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि ये लोग अपने प्रॉफिट्स को डाइवर्सिफाई कर सके, तो ये बात आप समझ लीजिए, मुझे लगता है ये आपको जो है ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है।
अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी की बहुत ही खास बात की, तो इसकी जब बोरोइंग्स हम लोग देखते हैं दोस्तों तो इट इज लाइक बहुत ही कम है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ जीरो डेट कंपनी एंड दैट्स वाई इसमें जो रिस्क है दोस्तों वो बहुत ही कम हो जाता है, और इसलिए निवेशकों को बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट पर जो है इस कंपनी को लेकर घबराना नहीं चाहिए। अब अगर दोस्तों इनके कैश फ्लोस की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी इंप्रेस करते हुए दिख रही है। 2020 का आंकड़ा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं तो यहाँ लगभग 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश फ्लो आया है, और आप देख सकते हैं प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स में इन्होंने 2500 करोड़ डाला है। तो फ्री कैश फ्लोस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एनालिसिस करते समय, तो ये काफी अच्छा दिख रहा है। 12,500 करोड़ रुपए का कंपनी के पास में कैश आ रहा है साल भर के अंदर में, और पिछले साल से ये स्थिति काफी इंप्रूव होते हुए दिख रही है। पिछले साल आप देखेंगे दोस्तों बस 12,600 करोड़ रुपए में से 3200 करोड़ इन्होंने खर्च किए, तो लगभग आप देखेंगे 9,000 कुछ करोड़ रुपए आएगा, तो उसके हिसाब से फ्री कैश फ्लोस काफी अच्छे दिखते हैं इस कंपनी के। अब दोस्तों यहां पर कंपनी ने सनराइज फूड के साथ में डील की थी जहां पर ने 100% स्टेक खरीदा था, और लगभग 2000 करोड़ की ये डील को बताया जा रहा है, तो इससे इसको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज सनराइज फूड जो है ये रिलेटेड बिजनेस है आईटीसी के, तो आईटीसी का ये प्लान काफी अच्छा माना गया था। इसको हमने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर में भी डाला था, तो शायद आपने पढ़ा था, काफी लाइक्स भी आई थी उसके ऊपर में। अब दोस्तों आज की बात करते हैं तो आज आप पता है 26 जून है दोस्तों, और 26 जून को हमने देखा कि इसका जो प्राइस है जब सुबह को खुला तो ये थोड़ा अच्छा खुला, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 202 पर ये खुला जो है 206 रुपए पर, और आप लेकिन उसके बाद में देखेंगे कि नीचे जो है गिरता चले गया, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा चार्ट टिकर टेप के अंदर में दोस्तों। टिकर टेप के लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ले सकते हैं, आपको जो है कमेंट के अंदर में मिल जाएगी, तो उसको एक बार आपको विजिट जरूर करना है, ये हमारे वीडियो के स्पॉन्सर है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से जो है इसमें गिरावट जो है देखने को मिली है, और अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली, 3.41% की गिरावट आपको देखने को मिली। अब दोस्तों ये लार्ज कैप में कंपनी आती है, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉफिट्स बताया साल भर के लगभग 15,000 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2,50,000 करोड़ का दिख रहा है, और ये लो वोलेटाइल स्टॉक जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब टिकर टेप के हिसाब से ही बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू करके दिखाई जा रही है, और ऐसा लग भी रहा है बिकॉज ये रेट जो है काफी कम दिख रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर में। यस, हालांकि जो Q1 FY21 रहेगा वो तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहेगा, लेकिन वहां पर लॉसेस वाली चीज नहीं आएगी बिकॉज यहां पर कंपनी काफी कुछ जो है कवर कर लेगी। जून सेल्स के अंदर में मई मिड से जो है कुछ सेल्स जो है बढ़ रही थी, या फिर लॉकडाउन के समय में भी जो है सेल कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, तो यहां पे कंपनी लॉस नहीं दिखाने वाली है, दैट्स अ प्लस पॉइंट, उसका कैश फ्लो जो है पूरा पॉजिटिव होने की उम्मीदें हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो ये यहाँ से अपना माल काटते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। आपको 17% का इनका दिसंबर 18 का होल्डिंग ये मार्च 20 के अंदर में हो गया है लगभग 15% से भी कम, लेकिन दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो यस, इन लोगों ने यहाँ पर जो है बढ़त दिखाई है दोस्तों, अक्वायर करते जा रहे हैं, और आप देखिए दोस्तों यहाँ पर सस्ते में अक्वायर इन्होंने जो है किए होंगे शेयर्स। यहाँ पर जो है आपको पता है कि बजट के समय में जो है ये शेयर 10% डाउन हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अपनी होल्डिंग्स को ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। इस लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है, दैट मींस यहां पे कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एमएससीडी की, तो एमएससीडी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ये एमएससीडी यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई चिंता की ज़रूरत हमको नहीं दिखती है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आरएसआई की, तो देखिए आरएसआई ये 30 है और ये 70 है, तो आप यहाँ देखेंगे आरएसआई यहाँ पर न्यूट्रल आपको दिख रहा है। अब दोस्तों ऐसे कि इसके अंदर में आईटीसी आपके पोर्टफोलियो में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 195 रुपीज़ पर आप ऐड करना चाहते हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं, अच्छा खासा 10 रुपये का आपको डिविडेंड मिल जाएगा, तो मैं तो इसके बारे में पॉजिटिव हूँ और अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता हूँ। 2 से 3 साल का सिनेरियो भी लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देख सकते हैं। पिछले कई साल से ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेशन में रहा है, तो ऐसे केस के अंदर में अगर इसमें ब्रेकआउट्स आते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि आप अपना खुद का जो है एनालिसिस यहाँ पे कर लीजिएगा, मैं इस स्टॉक के बारे में पॉजिटिव हूँ दोस्तों, और यहाँ पर अगर आपके पास में होल्डिंग है या फिर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो कोई तकलीफ की बात नहीं है।
इमीडिएट बेसिस पर मैं बोलूँ तो जून के क्वार्टर के अंदर में हो सकता है ये नीचे आए, लेकिन क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद में ये नीचे है जो कि क्वार्टर वन FY21 का रिजल्ट होगा, लेकिन तब तक जो है इसमें काफ़ी उछाल जो है देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10 से 12% का रिटर्न जो है ये स्टॉक मेरे को दे जब उसका क्वार्टर वन FY21 का रिजल्ट आए।